अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी जरीना जरीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरा ईद स्पेशल में मटन चटपारा कलेजी बनाने की आसान सी रेसिपी। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारा ये मटन कलेजी चटपारा कबाब बनकर रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल आसान रेसिपी, खाने में बहुत मज़ेदार, मिनटों में तैयार होने वाली हमारी ये बकरा ईद स्पेशल में मटन कलेजी चटपारा कबाब। चले अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बकरा ईद स्पेशल में आज हम झटपट कलेजी कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। ये कलेजी हमने इस तरह से पतले से पीस में काट ली है और चौड़ी। सबसे पहले डालते हैं हम इस पर नमक। नमक आप जितना खाते हैं अपने हिसाब से। दो चुटकी धनिया पाउडर, दो चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, वन टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कबाब मसाला, हरे धनिए की पत्तियाँ और बिल्कुल बारीक बारीक हम डाल लेंगे इसमें ग्रीन चिली। तरह से एक चिली के चार टुकड़े करके तरह हम मिनटों में तैयार होने वाला इतना बड़ा और मज़ेदार कलेजी का कबाब आपने कभी नहीं खाया होगा। और सबसे मज़ेदार सोने पर सुहागा लीमू इसमें चार चांद लगा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मिनटों में तैयार होने वाली, अब हम इसे उठाकर इस तरह से पलट पलट कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आपके पास टाइम नहीं है तो आप फौरन भी बना सकते हैं, अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा इसमें टेस्ट। इस तरह से हम पलट पलट कर सारे मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम आपको तल कर दिखाते हैं। अब हम डाल लेंगे ऑयल। ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मटन कलेजी चटखारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम रख लेंगे अपना बड़ा सा पीस कलेजी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, पलट कर देखते हैं। माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी हमारा मटन कलेजी चटखारा रेडी होने ही वाला है। मिनटों में तैयार होने वाली हमारी आसान सी रेसिपी मटन चटखारा कलेजी में रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।